तीन महीने पर्यटन से भरपूर होंगे। जनवरी से मार्च के दौरान राजस्थान पर्यटन जहां 13 मेगा इवेंट आयोजित करेगा, वहीं 6 घरेलू और 2 विदेशी मार्च में शामिल होगा। राजस्थान पर्यटन का फोकस है कि इन इवेंट के जरिए एक कैलेंडर वर्ष में 4 करोड़ पर्यटकों के जादुई आंकड़े को छूने का प्रयास किया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। अगले 3 महीने में राजस्थान पर्यटन जयपुर से मुंबई और स्पेन से जर्मनी तक की यात्रा तय करेगा। इस दौरान 21 बड़े पर्यटन इवेंट्स आयोजित होंगे, जो कि राजस्थान पर्यटन को पायोनियर बनने के लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। इन 3 महीनों में जहां जयपुर में विश्व प्रसिद्ध पतंग उत्सव होगा, जिसमें देश विदेश के पतंगबाज पेच लड़ाएंगे, वहीं सम के धोरों के बीच मरु उत्सव और होली धुलंडी जैसे पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय आयोजन भी होंगे। विश्व भर में पहचान बन गया जयपुर लिटरेचर फेस्ट भी आयोजित होगा। पहली बार होने वाले वेडिंग जंक्शन और राजस्थान दिवस का भी भव्य आयोजन होगा। इस दौरान देश भर में आयोजित होने वाले आधा दर्जन मार्ट्स में भी राजस्थान मंडप लगाया जाएगा और दर्जन भर से ज्यादा रोड शो भी होंगे। काइट फेस्ट जयपुर 14 जनवरी, कैमल फेस्ट बीकानेर 11 से 12 जनवरी, डेजर्ट फेस्ट जैसलमेर 7 से 9 फरवरी, बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर 7 से 9 फरवरी, नागौर मेला 30 जनवरी से 2 फरवरी, ब्रज होली फेस्ट भरतपुर 5 से 6 मार्च, धुलंडी फेस्ट जयपुर 10 मार्च, गणगौर उत्सव जयपुर 27 से 28 मार्च, मेवाड़ फेस्ट उदयपुर 27 से 29 मार्च, राजस्थान दिवस जयपुर 27 से 30 मार्च, जयपुर लिटरेचर फेस्ट जयपुर 23 से 27 जनवरी, IITM कोची 9 से 11 जनवरी, टूरिज्म फेयर दुर्गपुर यूपी 17 से 19 जनवरी, IITE नागपुर 24 से 26 जनवरी, हॉलीडे एक्सपो कोयंबटूर 26 से 28 जनवरी, IIT मुंबई 15 से 17 जनवरी, IIT अहमदाबाद 23 से 24 जनवरी, स्टेट दिल्ली 8 से 10 जनवरी, इंडिया ट्रेवल बाजार गोवा 16 से 18 मार्च, FITUR मैड्रिड 22 से 26 जनवरी, ITB बर्लिन 4 से 8 मार्च, ITM चंडीगढ़ 20 से 22 मार्च, वेडिंग जंक्शन शो दिल्ली, जयपुर मैराथन जयपुर फरवरी में इसका आयोजन होगा, IIFTC जिसका भी आयोजन मुंबई में फरवरी में होगा, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जिसका आयोजन फरीदाबाद में फरवरी में होगा, IIT जिसका आयोजन भुवनेश्वर में 20 से 22 मार्च को होगा। विदेश की बात करें तो स्पेन के मैड्रिड में फितूर और जर्मनी के बर्लिन में इंटरनेशनल ट्रेवल बाजार का आयोजन होगा। यही नहीं, शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का भी अप्रैल तक संचालन होगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने चालू पर्यटन सत्र में प्रदेश में 4 करोड़ पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद से ही मुख्य सचिव DV गुप्ता, प्रमुख सचिव श्रेया गोहा, निदेशक डॉक्टर भंवरलाल और अन्य अधिकारी भी लगातार इस लक्ष्य के लिए बैठक कर रहे हैं और दौरे भी किए जा रहे हैं और साथ ही मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से प्रदेश में सैलानियों का सैलाब उमड़ा है, उससे लगता है कि राजस्थान पर्यटन अपने उद्देश्य में सफल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में एक बार फिर राजस्थान पर्यटन शीर्ष स्थान हासिल कर लेगा। तो ट्रैवल ट्रेड को उम्मीद है कि वर्ष 2020 में पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा बेहतर साबित होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।